हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जूनियर इंजीनियर का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म 18 मार्च 2024 से 19 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एसएससी जूनियर इंजीनियर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एसएससी ओटीआर यानी एसएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये एसएससी ओटीआर सिर्फ एक बार ही करना होता है। उसके बाद आपको एसएससी का कोई फॉर्म फिल करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। बिना एसएससी ओटीआर के आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एसएससी ओटीआर आपको कैसे करना है, मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो पहले से ही बना दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एसएससी ओटीआर लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। तो चलिए फॉर्म अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट बनाना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप चाहे तो वहां से ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट के डैशबोर्ड पर राइट साइड में आपको लॉगिन और रजिस्टर का एक बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करना होगा, उसका पासवर्ड और दिए गए कैप्चा को आप यहाँ फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो रजिस्टर नाउ वाले लिंक पर क्लिक करके अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एसएससी ओटीआर लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हैं लाइव एग्जामिनेशन में एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम का डिटेल्स यहाँ दिया गया है। हमें इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करना है तो सबसे पहले अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। फॉर्म जो है 5 स्टेप में कम्प्लीट होगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा, सेकंड में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, थर्ड है डॉक्यूमेंट अपलोड, इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फोर्थ स्टेप में आप फॉर्म का प्रीव्यू दे सकते हैं और फिफ्थ फाइनल स्टेप है जिसमें आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा। पर्सनल डिटेल्स का डेटा आपको पहले से भरा हुआ मिलेगा। आपने जो भी ओटीआर में अपना डिटेल्स फिल किया है उस सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं नोट में कुछ लिखा आ रहा है, इन्फॉर्मेशन इन कॉलम एट सीरियल नंबर 1 to 18 विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम ओटीआर। इसका मतलब है सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक का डेटा वो ओटीआर से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके आप फॉर्म के बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स फिल करना होगा। सबसे पहले लिखा रहा है स्ट्रीम, इसका मतलब है आपने जो अपना डिप्लोमा या डिग्री लिया है वो किस स्ट्रीम से किया है, इनमें से आपको किसी को सिलेक्ट करना होगा। उसी चीज़ को आप दोबारा वेरीफाई करेंगे। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। अगर आप डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा फिल करेंगे, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी जो भी आपके लिए उपयुक्त होगा उसको आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग डिप्लोमा और डिग्री, इसका मतलब है आप एसएससी के जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अपना जो डिग्री है या डिप्लोमा है वो आपको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको अपना स्ट्रीम यहाँ सेलेक्ट करना होगा। अब आपको अपना डिप्लोमा और डिग्री का डिटेल्स फिल करना होगा। सबसे पहला है स्टेटस, स्टेटस का मतलब होता है अगर आपने एग्जाम पास कर लिया है तो पास सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप पासिंग अपना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आपने किस स्टेट के यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री लिया है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे लिखा रहा है नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप अपना यहाँ रोल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज फिल करना होगा और नीचे में लिखा रहा है सीजीपीए, अगर आपका डिग्री में सीजीपीए दिया गया है तो आप अपना सीजीपीए फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 फिल करना है। यहाँ लिखा रहा है वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन और सर्व इन द आर्म फोर्स, इसका मतलब है क्या आप एक्स सर्विसमैन या आर्म फोर्स में जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो यस को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ लिखा रहा है वेदर सिकिंग एज रिलैक्सेशन, इसका मतलब क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर हाँ तो यस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ अपना कार सिलेक्ट करना होगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं तो नो को सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे लिखा रहा है डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब है क्या आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए शेयर करना चाहते हैं, यस और नो, इनमें से कोई आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 को फिल करेंगे, जब देख सकते हैं लिखा रहा है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, इसका मतलब है अब आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर का चॉइस फिल करना होगा। प्रेफरेंस 1, इनमें से किसी भी एक सेंटर को आपको सिलेक्ट करना होगा, उसी तरह सेकंड को फिल करेंगे और उसके बाद थर्ड को सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे लिखा है डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, इसका मतलब क्या आपको लिखने में कोई परेशानी होता है, यस और नो, अगर लिखने में परेशानी होगा तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो को सिलेक्ट करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर यहाँ अपलोड करना है। ध्यान है आप अपना फोटो यहाँ अपलोड नहीं कर पाएंगे, आपको फोटो कैप्चर करना होगा। इसका मतलब है अगर आप सिस्टम या लैपटॉप से अपना फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको वेबकैम ऑन करना होगा। वेबकैम ऑन करने के बाद आप अपने डायरेक्ट फोटो को अपने क्लिक करके कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने यहाँ सिग्नेचर अपलोड करेंगे, अपलोड सिग्नेचर वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। रिव्यू फॉर्म ओपन हो चुका है। फॉर्म भरने में आपने जो भी अपना डिटेल्स फिल किया है उसको आपको यहाँ बारीकी से मिलाना होगा। अगर आपने कोई डिटेल्स अपना गलत फिल कर दिया है तो गो बैक वाले बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद जाके आपको अपना डिटेल्स आपको सही करना होगा। तो मैंने अपना सारा डिटेल्स चेक कर लिया है, अब मैं सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करूंगा।
आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको आई एग्री वाले चेकबॉक्स को टिक लगाना होगा और दिए गए कैप्चा को आपको यहाँ फिल करके सेव एज नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। देख सकते हैं लिखा आ रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड, इसका मतलब है आपने फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया, अब आपको पेमेंट करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, अभी आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है, फाइनल सबमिट पेमेंट करने के बाद होता है। पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट वाले बटन को क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं 100 रुपये का आपको फी पेमेंट करना होगा, तो पे वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म SSC के पोर्टल पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप अपना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।